बुलाओ बुलाओ जय हिंद। आप लोग दिख रहे हैं जम्मू परिवर्तन, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जम्मू के बठिंडी में इस समय मक्का मस्जिद के पास हम मौजूद हैं। यहां पर बसोली से आई एक बच्ची यहां पर इस समय यहां पर रो रही है और उनको पूछो भैया पेपर कितने बजे तक होना था, ये 6:50 तक होना था, यानी 6:15 तक। उसके बाद फिर बसोली वापिस जाना था। वापस तो नहीं पहुंच पाऊंगी, यहीं पे रहना था भाई, रेंट पे यहीं पे। आज अंदर नहीं जाने दिया। देख सकते हैं जम्मू के बठिंडी की ये तस्वीरें हैं। किस चीज का पेपर था आपका? एसएससी का। तो आप कितने बजे यहां पर पहुंचे थे? 46 मिनट। तो पेपर कितने बजे था आपका? कितने बजे शुरू होना? 5 बजे। तो देख सकते हैं ये हमारे बसोली की बेटी है जिसका आज एसएससी का एग्जाम यहाँ पर इस एक निजी इंस्टीट्यूट में यहाँ पर रखा गया था, लेकिन दूर से इस बच्ची ने आना था और इसके चलते गाड़ी शायद टाइम पे नहीं मिली होगी, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर गाड़ी जिस तरह से शहर में गाड़ियाँ चलती हैं इस तरह से वहाँ पर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। टाइम पे जो गाड़ी आएगी, जिस गाड़ी का जो टाइम होगा वो उसी टाइम से वहाँ से निकलेगी, लेकिन थोड़ा 10-15 मिनट का ही गैप रहा है ना, 1 मिनट का। आप देख सकते हैं कि 1 मिनट ये बच्ची लेट होगी और यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट के लोग हैं उनके द्वारा इस बच्ची को नहीं जान देगा। अभी यहाँ पर आपने किसी से बात की है यहाँ पे? हाँ, मैंने गेट वालों को सभी को बोला था। बोला था? सबको बोला था। आप रोइएगा मत, रोइएगा मत। देख सकते हैं कि फिलहाल ये बच्ची इस समय यहाँ पर रो रही है और आप जनता से हम यही कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि काफी दूर दराज एरिया से बच्ची यहाँ पर आज एसएससी का एग्जाम यहाँ पर देने के लिए पहुंची थी। सर है कोई यहाँ पे बात करने के लिए? सर क्या कहना चाहेंगे इस तरह से बच्ची 1 मिनट के लिए कह रही है कि मैं लेट हुई हूँ, लेकिन इसे जो हुआ अंदर नहीं जाने देगा, बसोली से काफी दूर से उठकर यहाँ पर आज एग्जाम देने के लिए पहुंची। तो गलत हुआ है, 5 मिनट तो रखने चाहिए एक्स्ट्रा के धीरे थोड़े से, इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने तो कभी देखा नहीं ऐसा, लेकिन जो हुआ है गलत ही लग रहा है मेरे को। कम से कम समझना चाहिए, क्योंकि इतनी दूर से आना है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे टाइम से ही गाड़ियाँ मिलेंगी, ऐसे थोड़ी है कि 2-2 मिनट बाद गाड़ी चलेगी। गेट देखो, मैं क्या कह सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन ये है कि ट्रैफिक में लगा था तो सोचना चाहिए कि 5-10 मिनट थोड़ा दिया जाए बच्चे को, जिसकी वजह से बच्चा पहुँच पाए। 10-15 मिनट तो लेट हो ही जाता बंदा ट्रैफिक वगैरह से। काफ़ी बुरा लगता है जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि एक बच्ची जो कि बसोली से उठकर यहाँ पर जम्मू में आज एसएससी का एग्जाम देने के लिए यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन 1 मिनट लेट होने पर यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट द्वारा उस बच्ची को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई, ऐसा बच्ची का कहना है। ऐसा कई बार जो है वो देखने को मिलता है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि काफ़ी बार ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर दूर दराज इलाकों से बने बसोली, बिलावर, डुड्डू, बसंतगढ़ या फिर दूर दूर डोडा, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, भद्रवाह हो, वहाँ से बच्चे जो है वो एग्ज़ाम देने के लिए जम्मू में यहाँ पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन 1 मिनट या कुछ सेकंड का फर्क जब हो जाता है या लेट हो जाते हैं तो उन्हें जो है वो यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि वो इस तरह से जो है वो बच्चों के साथ उनके मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ ना करे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक तो आपके रोड इतने अच्छे नहीं है कि कोई जो है वो 2 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगा, टाइम से पेपर देने के लिए यहाँ पर पहुंच जाएगा। 1 मिनट अगर लेट भी हो गया तो इस बच्ची को अगर इतनी दूर से उठकर यहाँ पर आई थी तो उसको जो है वो अंदर क्यों नहीं जाने देगा। फिलहाल कोशिश की गई है कि वो इंस्टीट्यूट के लोगों से भी बातचीत की जाए, लेकिन फिलहाल गेट पे यहाँ पर कोई भी नहीं है, जिसके चलते ये बच्ची इस समय यहाँ पर जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। और आप जनता से हम यही कहेंगे कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बच्ची के साथ जो है वो इंसाफ हो सके। फिलहाल आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। जम्मू के मक्का मस्जिद में कायम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करिए। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।